छतरपुर की होगी। छतरपुर में विधायक के भाई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां कांग्रेस विधायक रामसिया भारती के भाई की दबंगई देखने को मिली। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से गाली गलौज की गई है। कर्मचारियों से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ। गुंडागर्दी का वीडियो सामने आ चुका है, मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ताल में पुलिस जुट गई है। नरेंद्र परमार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, विधायक के भाई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, लेकिन टोल पर किस बात को लेकर यह बहस शुरू हुई, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अंशका, ऐसा है, छतरपुर जिले से जो नेशनल हाईवे 86 निकला हुआ है, मंगवारी पर एक टोल प्लाजा बना हुआ है, जहां पर फ्री में गाड़ी निकालने को लेकर बिना टैक्स दिए, यानी तो बिना टोल दिए गाड़ी निकालने को लेकर देर रात इतना विवाद बढ़ा कि वहां पर जो विधायक के भाई हैं, बड़ा मलारा विधानसभा क्षेत्र में मंगवाई गाँव आता है, और बड़ा मलारा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है रामसिया भारती, उनके जो भाई है तुलसी लोधी नाम बताया जा रहा है, जैसा की तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में लगातार टोल कर्मियों को दे रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और दबंगई और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब टोल कर्मी हैं, उन्होंने जो गोलगंज थाना है वहां पर शिकायत दर्ज की, तो पुलिस ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधायक के भाई सहित एक और अन्य यानी कुल दो लोगों पर FIR दर्ज की है, और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार विधायक के भाई को आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी की और बिना टोल दिए गाड़ी निकालने का भी प्रयास किया, जिसको लेकर एक पूरा मामला ये सामने आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हेल्पलाइन से लोगों से सीधे संवाद किया है, और आज के समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये हेल्पलाइन वरदान से कम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेल्पलाइन पर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान निकालते हैं। हाल ही में शिकायतकर्ता नवीन माथुर के पिता को पैरालिसिस अटैक आने के बारे में उन्होंने साझा की अपनी बात और उनकी पेंशन नहीं बढ़ने की समस्या सीधे मुख्यमंत्री से बताई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी समस्या के समाधान के लिए SP और कलेक्टर को निर्देश दिए, साथ ही मानवता के नाते उनके पिता को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी तरह सुनैना नाम की युवती ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप से संबंधित समस्या बताई थी। सीएम ने युवती की स्कॉलरशिप की समस्या का निराकरण करने के निर्देश इंजीनियरिंग कॉलेज के विभाग को दिए। इसके बाद सीएम ने दोनों को कॉल पर स्मार्ट सिटी दफ्तर भी बुलाया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे बात की शिकायतकर्ता से। अच्छा, सडनली मैंने चेकिंग करने का काम किया है और दो शिकायतकर्ताओं से मैंने सीधे बात की है। उसमें एक शिकायतकर्ता से जो बात की तो उनने अपनी छात्रवृत्ति की परेशानी बताई कि छात्रवृत्ति मिल जाए, तो मैंने उसको संज्ञान में ले लिया है, उनकी छात्रवृत्ति हम दिलाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रवृत्ति की लेकर के बात की। दूसरा एक विषय है कि साइबर के माध्यम से उनका अकाउंट हैक हुआ है, तो हैक को लेकर के पुलिस से वो मदद चाह रहे थे, उनकी मदद के लिए भी मैंने SP को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने CM फंड से उनके लिए 1,00,000 की राशि भी मंजूर की है, ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये है कि जो CM हेल्पलाइन है, इसको प्रभावी करना, जिनकी कठिनाई है उनको कठिनाई में मदद करना।